और इंदौर में आज गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड का प्लेबैक सिंगर्स का तांता भी लगेगा। सुनिधि चौहान यहां पर परफॉर्म करने वाली हैं और उनके आगमन को लेकर भी तमाम तैयारियां यहां पूरी हो चुकी हैं। इंदौर और भोपाल दोनों ही शहरों का गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है। इंदौर की खास तौर पर अगर हम बात करें तो तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री खुद शिरकत करेंगे और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर सुनिधि चौहान प्रस्तुति देंगी। और भोपाल का भी आज गौरव दिवस मनाया जाना है। समारोह का भव्य आयोजन यहां पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी और भोपाल गौरव मैराथन को हरी झंडी दिखाकर यहां पर सीएम रवाना करने वाले हैं। 4 जून तक चलने वाले समारोह में कला, संस्कृति, फूड स्टॉल, खेलों से जुड़े विभिन्न आयोजन भी होंगे। समारोह का मुख्य आकर्षण 1 जून को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल, गीतकार मनोज मुत्तशिर, कॉमेडियन कृष्णा सुदेश की प्रस्तुति से होगा। और भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल गौरव दिवस को लेकर शहरवासियों को इस मैराथन में शामिल होने का आह्वान किया है। और अब चर्चा करेंगे सीहोर जिले की। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जाने वाले हैं। सलकनपुर में सीएम शिवराज देवी लोक के निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। 3 दिन देवी लोक महोत्सव का आयोजन यहां पर किया जाना है। महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। सीहोर दौरे पर आज मुख्यमंत्री सलकनपुर में देवी लोक के निर्माण का भूमि पूजन, 3 दिन देवी लोक महोत्सव का आयोजन यहां पर हो रहा है। महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की। बेरोजगारों को एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है और बेरोजगारी भत्ते के तहत जो कि सामने आया, आज भी ये सौगात का सिलसिला जारी रहेगा। आज बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त मुख्यमंत्री जारी करने वाले हैं। सीएम बघेल बेरोजगारों के खाते में ट्रांसफर करेंगे रुपए 1,05,395। युवाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। 32,35,25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। बेरोजगारी भत्ता उसकी पहली किस्त पहले से ही मुख्यमंत्री जारी कर चुके हैं। दूसरी किस्त का समय आज मुख्यमंत्री खातों में ये राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। बेरोजगारी भत्ते को लेकर हालांकि सियासत भी लगातार बढ़ी प्रदेश में, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा कि दूसरी किस्त आज जारी की जानी। तो आज 32,35,25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1,05,395 युवाओं के खातों में ये राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर होगी। सीएम बघेल बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते को लेकर पहले ऐलान कर चुके थे। बजट के दौरान पहली किस्त जारी हुई, उसके बाद लगातार विपक्ष की तरफ से भी हमला। कई दलों ने कोशिश भी की सरकार को घेरने की, लेकिन उसके बावजूद ये योजना और ये जो क्रियान्वयन था प्रोसेस वो लगातार चलती रही और आज दूसरी किस्त मुख्यमंत्री जारी करने वाले हैं। सही कि ममता हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, क्या कुछ होना है आज उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरी किस्त जारी करेंगे? बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे सीएम हाउस में ये आयोजन होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी भत्ते की जो दूसरी किस्त है वो जो है वो खातों में जो है वो भेजेंगे। और पहले अगर हम बात करें तो पहले इसके पहले बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त के रूप में 66,185 युवाओं को 16,54,62,500 रुपये की राशि दी गई थी। और आज अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1,05,395 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की राशि जो है वो जारी करेंगे और इसमें से 32,35,25,000 रुपए का अंतरण होगा। और अभी तक अगर हम बात करें तो कुल 1,05,395 युवाओं के खातों में 48,79,87,500 रुपए की जो राशि जो है वो अंतरित होगी। और कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे और जाहिर तौर पर इसको लेकर जब तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा था तब तक बीजेपी लगातार आक्रामक थी। और उसके बाद में अगर हम
बात करें तो हालांकि अभी भी इसे लेकर जो है वो सियासत शुरू है। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उन्हें सिर्फ एक साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा या और करीबन उसके बाद में उन्हें जो है वो कौशल उन्नयन इस दौरान जो है वो करना पड़ेगा, कोई ना कोई जो कौशल है वो सीखना पड़ेगा ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो सके। तो जाहिर तौर पर आज एक बड़ी सौगात जो है वो जो युवा है उनको मिलने वाली है और दूसरी किस्त के रूप में ये राशि जो है वो हस्तांतरित की जाएगी और लगातार रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको ममता इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, दूसरी किस्त बेरोजगारी भत्ते की जारी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां जिले की 3 पंचायतों में ब्लैकआउट की स्थिति है। पिछले 4 दिनों से ब्लैकआउट लगातार चल रहा है, तूफान में बिजली के खंभे उखड़ गए थे, ग्रामीणों की समस्याएं भी अब लगातार बढ़ती हुई। पचरा बेल टिकरी गांव का ये पूरा मामला है, सुधार कार्य के नाम पर खानापूर्ति का आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। सूरजपुर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, पिछले 4 दिनों से ग्रामीण बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। ये भी आरोप है कि विभाग की तरफ से सुधार कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं, खानापूर्ति की कोशिश लगातार चल रही है। पचरा और बेलटिकरी गांव का ये पूरा मामला, 4 दिनों से ब्लैकआउट की स्थिति पूरे गांव में लगातार, यहाँ पर लोग परेशान होते हुए तूफान के चलते यहाँ पर खंभे उखड़ गए थे बिजली के और उसके बाद से अभी तक बिजली को खंभों को सुधारा नहीं। उदासीनता से पचीरा समेत 3 गांव के पंचायत के जो लोग हैं बेहद परेशान हैं। बीते 3-4 दिनों से ब्लैकआउट की स्थिति इस गांव में बनी हुई है। यहां आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये रात के वक्त यहां बिल्कुल ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। यही हालात 4 दिनों से बने हुए हैं क्योंकि एक चक्रवाती तूफान के कारण गाँव के जो विद्युत खंभे हैं और कई उपकरण हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए थे। नतीजा ये है कि गाँव के जो लोग हैं इस भीषण गर्मी में बेहद परेशान हैं, चाहे वो बोरवेल की बात हो या कृषि उपकरण की, सभी व्यवसाय ठप पड़ी हुई है और रात को जगह करने को ग्रामीण परेशान है, महिलाएं खासकर बच्चों को लेकर बेहद परेशान है। ऐसे में आने वाले दिनों तक इस ब्लैकआउट की स्थिति और प्रशासनिक और विद्युत विभाग की उदासीनता कब तक बरकरार रहती है और ग्रामीणों को ब्लैकआउट से कब तक निजात मिल पाता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज 18, सूरजपुर। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खरगोन की, जहां पेट्रोल पंप से 15 लाख की चोरी हुई है। बड़वा के पास इंदौर रोड से पेट्रोल पंप पर यह वारदात हुई। फ्यूल लेने आए 2 युवकों ने गले से चोरी कर ली है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। नाकेबंदी की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। नाकेबंदी कर पुलिस की तरफ से यही कोशिश कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। यही वो पेट्रोल पंप जहां गले से चोरी हुई, 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आपको सीसीटीवी कैमरे की भी हम दिखा रहे हैं। आरोपियों की तस्वीरें साफ तौर पर इस कैमरे में कैद हुई है और इसी तस्वीर के आधार पर पुलिस नाकाबंदी कर इन्हीं आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। फ्यूल लेने आए 2 युवक गले से चोरी कर ले गए रुपए। हालांकि पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तस्वीर कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश जल्द करने का दावा करती है। बड़ी वारदात, 15 लाख रुपए की चोरी, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाने के बहाने आरोपी यहां पर पहुंचते हैं और मौका देखते ही गले से रुपए लेकर फरार हो जाते हैं।